सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। गति हुई तीरथ पति आवश्यक हुई माघ राशि में माघ के महीने में मकर राशि पर जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उस समय तीर्थ स्थल पर सूर्य नाग पितर गंधर्व सभी लोग पधारते हैं पूर्ण लाभ लेने के लिए। अर्थात ये दिन जो है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीर्थ राज में सभी पधारते हैं और तीर्थ राज को चित्रकूट आना पड़ता है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने प्रयागराज को सारे तीर्थों का राजा बनाया लेकिन चित्रकूट जब नहीं पहुंचे तो उन्होंने शिकायत की कि प्रभु आपने सारे तीर्थों का राजा बनाया लेकिन चित्रकूट मेरे यहाँ नहीं आते, सारे देवतागण आ गए, सारे गंधर्व आ गए, सारे पितर आ गए, सभी नाग आ गए, किन्नर आ गए और सारे तीर्थ आ गए लेकिन चित्रकूट नहीं आए। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले कि भाई चित्रकूट मेरा घर है और यहाँ पर मेरा सदा सर्वदा निवास है, चित्रकूट यहाँ नहीं आएंगे, चित्रकूट गिरिया चलहेरी, चित्रकूट आपको स्वयं पधारना पड़ेगा। जब आप पापों का क्षार करते करते आपका वर्ण जो है हंस से कौवे के रूप में आ जाएगा तो पुनः अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए पापों का क्षार करने के लिए आप चित्रकूट पधारना पड़ेगा। तो तीर्थराज प्रयाग स्वयं चित्रकूट पधारते हैं इसलिए चित्रकूट का विशेष महात्म है और इस जो पर्व है इसका बहुत बड़ा महात्म है क्योंकि सुर नर नाग पितर गंधर्व सभी इसके महत्व को समझते हुए और पवित्र नदियों के तट पर पहुंच करके और उसमें स्नान करते हैं, दान पान करते हैं। ये तीर्थ ये पर्व जो है भारत के सभी हिस्सों में मनाया जाता है, कहीं पोंगल के नाम से, कहीं खिचड़ी के नाम से या अन्य नाम से। अर्थात ये भारत की आत्मा कही जाए या संस्कृति का केंद्र बिंदु कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इस दिन सभी लोग जो है पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, खिचड़ी का भोजन करते हैं, प्रसाद मनाते हैं, खिचड़ी का ही दान करते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। सभी लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, सभी देवताओं के लिए बहुत बड़ा महत्व है। चित्रकूट में इतने श्रद्धालु, कितने श्रद्धालु लगभग आते हैं? यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में, कई लाख, 2-5 लाख की संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं और माँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं और खिचड़ी का ही प्रसाद पाते हैं जिससे जो है उनको बहुत बड़े पुण्य का लाभ होता है। चित्रकूट में करगी जिले में आए हुए हैं, रामचंद्र जी की जो स्थान है वहाँ पर आए हुए हैं मकर संक्रांति के त्योहार पर और हम आए हैं झांसी से यूपी। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, हमारा सभ्यता हिंदू धर्मों का जो है वो निभाना चाहिए, परंपरा जो चली आ रही है, मकर संक्रांति का एक अच्छा त्यौहार है हमारे यहाँ माना जाता है, हिंदू रीति रिवाज से मनाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए जिससे लोगों में प्रति आस्था हो, जागरूक हो, जो भी दान हो वो करना चाहिए हमेशा। क्या नाम है? हमारा नाम है नीरज गुप्ता, जिला झांसी के रहने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।